देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके सियासी अखाड़ा पूरी तरह दे नाल पख्या होया। हर पार्टी पूरी वाह लगा रही है। 2022 दे चोण मैदान च नवी पार्टी दे नाल उभरे किसान आगू भी तत्पर ने। हालांकि संयुक्त किसान नोशे वजो पार्टी दी अजे तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। इसे दे मद्देनजर सोमवार नूं संयुक्त समाज मोर्चे दे वफद वल्लों चोण कमिश्नर एस करुणा राजू नाल मुलाकात कीती गई है। संयुक्त समाज मोर्चे दे आगुआं दी मंग है कि उन्हां दी पार्टी नूं सांझा चोण निशान दित्ता जाए, ताकि जेकर उन्हां दी पार्टी चोणां तक रजिस्टर्ड ना हुई तां उन्हां दे सारे उम्मीदवार इक्को चोण निशान ते चोण लड़ सकण। देखो असीं बड़ा समा पहला नैशनल लैवल ते इलैक्शन कमीशन नूं अप्लाई कीता सी फॉर कॉमन सिंबल। उदा हाले तक कोई फैसला नहीं आया, चोण आ गई सिर ते। असी थ्रू पंजाब दे जिहड़े हैगे इलैक्शन कमिश्नर उन्हां दे थ्रू असी फिर अज रिक्वेस्ट दित्ती है कि समा सिर ते आ गया, सानूं इक कॉमन सिंबल दित्ता जाए। ने सारे ऑब्जेक्शन रिमूव करके दोबारा वापस भेज दिते गए ने। ये तो साढ़े विरोधी ने, उन्होंने मौका चाहिए कुछ न कुछ कहने, उन्होंने मिल गया सी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लाए। आम लगते हैं ऑब्जेक्शन साढ़े तीन कले लगे, हर बार वो लगते हैं, हर केस में लगते हैं। संयुक्त समाज मोर्चा किसानी संघर्ष तो बाद ही चोण मैदान दे विच नित्रे। इसलिए मांग यो कीती जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक्टर या फिर इकली ट्रॉली, इन्हां तिन्नां दे विचों कोई भी चोण निशान पार्टी नूं सांझे चोण निशान दे वजों दित्ता जाए। असी तीन सिंबल अप्लाई कीते ने, ट्रैक्टर दूजे नंबर ते, ट्रैक्टर विद ट्रॉली तीजे नंबर ते, सिर्फ ट्रॉली जिस तरह दी उत्थे मोर्चे विच खड़ी सी। खैर शुरू च चर्चा सी कि संयुक्त किसान मोर्चे दा आम आदमी पार्टी दे नाल गठजोड़ हो सकता है, पर सीट शेयरिंग कारण गल बनदी बनदी टुट गई सी, जिस तों बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने इकल्या ही सारियां 117 विधानसभा दीआं सीटां ते चोण लड़न दा फैसला लिया, जिस चों 90 तों वध उम्मीदवारां दा ऐलान भी हो चुक्या है। पर अजे तक पार्टी दी रजिस्ट्रेशन विचाले लटकी हुई है। हुण सवाल ए भी खड़ा हो रहा है कि किसानी मोर्चे दी तरह पंजाब दे लोक ਕਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ।